ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में कुछ दिन पहले एक महिला ने तांत्रिक पर आरोप लगाया था कि उसे पूजा करने के बहाने सुनसान और वीरान जगह पर ले जाया गया, जहां उसे बंधक बनाकर तांत्रिक और चेले ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वही महिला ने एक और बयान भी दिया है कि जब वह सुनसान जगह पर गई थी तो उसके साथ एक और महिला भी मौजूद थी। सोलन में कुछ दिन पहले एक महिला ने तांत्रिक पर आरोप लगाया था कि उसे पूजा करने के बहाने सुनसान और वीरान जगह पर ले जाया गया, जहां उसे बांधकर फना गांव के तांत्रिक और चेले ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं महिला ने एक और बयान भी दिया था कि जब वह सुनसान जगह पर गई थी तो उसके साथ एक और महिला भी थी। पुलिस काफी समय से उस महिला की तलाश कर रही थी और सोलन पुलिस अपने अभियान में कामयाब भी रही। जांच में पाया गया कि ये महिला भी तांत्रिक और उसके चेले की हवस का शिकार हुई थी। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित महिला के बयान पर दूसरी पीड़ित महिला को भी खोज लिया गया है। उन्होंने बताया कि महिला के बयानों को लिखा जा रहा है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 17 जुलाई को जो FIR हुई थी वुमेन थाना में, जिसमें एक महिला ने दो व्यक्तियों पे जो कि यहाँ पे तांत्रिक का काम करते हैं कना गांव में आरोप लगाए थे, उस पे FIR दर्ज की गई थी 420, 342, 365, 366, 376, 2G, 506 IPC के तहत। और इसमें जो दो व्यक्ति हैं प्रकाश और ज्ञान प्रकाश, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो दूसरी महिला है उसका पता लगा लिया गया है, वो आइडेंटिफाई हो गई है और उसका अभी आगे मेडिकल करवाया गया है और उसका कोर्ट में बयान करवा के फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है केस में चल रही है। आज इनको एक्यूज्ड का पुलिस रिमांड ख़त्म हो रहा है, आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और फर्दर जैसे भी कार्रवाई होगी उसके अनुसार की जाएगी।